अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GDL मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर वली तकरम। सो गाइस, आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल। अब हिस्ट्री ब्रश क्या है हमारे पास, हम इसके साथ किस तरह वर्क करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो आज के टॉपिक से आपको बहुत ज्यादा नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन दबाएं और हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, हिस्ट्री ब्रश हम लोग यहां से इसको सिलेक्ट करते हैं, जिसका शॉर्ट की आप वाई प्रेस करके भी हिस्ट्री ब्रश को ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री ब्रश इस वक्त मेरे पास अनचेक आ रहा है। इसकी कोई प्रॉपर्टीज मैं नहीं देख सकता, ना इसको मैं यूज कर सकता हूं, मेरे पास अनेबल हो रहा है ये। अब हम क्या करते हैं, हम अपना ब्रश टूल यूज करते हैं, कोई कलर पैलेट में से कोई कलर ले लेते हैं। मैंने रेड कलर लिया और मैं इसको यहां पर क्लिक करके अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर रेड कलर जो है वो अप्लाई कर दिया। अब रेड के साथ मैं कोई और कलर ले लेता हूं, लाइक पिंक, इसको मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं। और एक कलर और हम ले लेते हैं, ब्लू, मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया। अब आप सीक्वेंस देखें कि सबसे पहले मैंने कौन सा कलर किया है, रेड किया है, उसके बाद मैंने पिंक किया है, फिर ब्लू किया है। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो है वो रेड कलर अभी अंडू हो जाए, तो मैं उसको अंडू करने के लिए क्या करूंगा, रेड कलर अंडू मतलब खत्म करना चाह रहा हूं, तो मैं कंट्रोल ऑल्ट जेड प्रेस करूंगा तो मेरा अंडू होगा, लेकिन मेरा ब्लू कलर हो रहा है, रेड नहीं हो रहा। मैं दोबारा करूंगा, मेरा पिंक अंडू हो गया, रेड अभी तक नहीं हुआ। मैं दोबारा करूंगा, तीसरी दफा में जाकर मेरा रेड कलर खत्म हो रहा है। तो मुझे दोनों कलर चाहिए थे, सिर्फ रेड अंडू करना था। तो अब अंडू की ऑप्शन तो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब हिस्ट्री ब्रश हम यूज करते हैं। अब हिस्ट्री ब्रश अभी भी मेरे पास अनचेक आ रहा है, उसकी वर्किंग नहीं आ रही। तो हम क्या करते हैं, अपने लेयर्स पैनल में जाते हैं, यहां पर हमारे पास हिस्ट्री की ऑप्शन आ रही है, इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ये हमारी अब तक की सारी हिस्ट्री है कि मैंने मेक अ लेयर किया, फिर मैंने ब्रश टूल यूज किया, दोबारा ब्रश किया और तीसरी दफा ब्रश यूज किया। ये तीनों ब्रश मेरे, ये तीनों कलर्स हैं। तो अब इसको अनचेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास जो ओरिजिनल लेयर है इसको हम चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा ये ब्रश एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको हिस्ट्री अगर नहीं मिल रही, अगर ये साइड पर पैनल पड़ा हुआ है, खत्म है, नहीं नजर आ रहा, तो आप क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे, थोड़ा सा डाउन आएंगे, आपके पास यहाँ पर हिस्ट्री का ऑप्शन आ जाती है, लाइक दिस, ये हिस्ट्री की ऑप्शन, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी हिस्ट्री ओपन हो जाती है। आप इसको अपने पैनल में एडजस्ट कर ले। अब मैंने खत्म कौन सा करना था, रेड कलर, बाकी दोनों कलर मुझे चाहिए, तो मैं हिस्ट्री ब्रश यूज करता हुआ रेड कलर के ऊपर अप्लाई करता हूं। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा सिर्फ रेड कलर खत्म हो रहा है। अगर मैं हिस्ट्री ब्रश की जगह अरेजर यूज करूं, जो आप अरेज करते हैं, मैं अरेजर अगर यूज करूंगा तो मेरी पूरी की पूरी इमेज जो है वो अरेज हो जाती है। लेट्स सी, अगर मैं हिस्ट्री ब्रश को एक और तरीके से यूज करूं कि मेरे पास यहां पर कलर रिप्लेसमेंट टूल है, मैं यहां से कोई भी कलर सिलेक्ट करता हूं और अपनी लेयर के ऊपर अप्लाई कर लेता हूं। थोड़ी थोड़ी जगह पे मैंने कलर को बाहर की तरफ को भी प्लेस कर दिया है। तो अब मैंने ये कलर साफ करना है। लेयर मेरी कौन सी है, ओरिजिनल लेयर है, हमने न्यू लेयर क्रिएट नहीं की। तो हमने हिस्ट्री ब्रश को एक्टिवेट किया और जहां से मेरा कलर बाहर है वहां से मैं इसको आराम से इजीली जो है वो रिमूव कर सकता हूं। अपना जो भी कलर मेरा ऑब्जेक्ट के बाहर गया हुआ उसको मैं हिस्ट्री ब्रश के साथ रिमूव कर सकता हूं। सो गाइस, आई थिंक आपको हिस्ट्री ब्रश की आज अच्छे तरीके से समझ आ गई कि आप हिस्ट्री ब्रश को कहां पर किस तरह आप यूज करते हैं और इसके बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं। इंशाल्लाह वो आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो डिटेल में बताऊंगा कि आप हिस्ट्री ब्रश के साथ और क्या क्या वर्क कर सकते हैं। एक्चुअली आपको सबसे पहले हिस्ट्री ब्रश का पता होगा कि आप उसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, तब आपको उसकी प्रॉपर्टीज को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।